ये रहा खम्मम का रेलवे स्टेशन। हेलो एंड वेलकम आप सभी का एक नए ब्लॉग के अंदर। तो गाइज अभी मैं हूँ अहमदाबाद जैक्सन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। मैं अभी जा रहा हूँ हैदराबाद और ये कोई ब्लॉग आज फैमिली ब्लॉग और मोटो ब्लॉग नहीं होने वाला। ये होने वाला है ट्रैवल ब्लॉग अहमदाबाद टू हैदराबाद। तो आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। और मैं घर से निकल चुका था 1 बजे और अभी पहुंचा हूं और ट्रेन में बैठ चुका हूं। और फिर मेरे को याद आया कि अपना यार एक ब्लॉग चैनल है तो उसके ऊपर ब्लॉग बनाते हैं, काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आया। और मैं अभी जा रहा हूं काम से कुछ काम पे। तो चलिए आप लोगों को ये जर्नी मैं आप लोग बताऊँगा कैसे क्या होता है। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और हमारी ट्रेन आ चुकी है, सामने ट्रेन खड़ी है, देख सकते हो आप नवजीवन एक्सप्रेस। तो चलिए मैं चलता हूँ अभी ट्रेन के अंदर। तो गाइज ये है हमारी ट्रेन नवजीवन एक्सप्रेस। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और चलते हैं अपनी सीट के ऊपर जाके बैठते हैं। तो गाइज फाइनली सीट के ऊपर आ के सो चुका हूँ, मेरे को बीच वाली सीट मिली है। पर एक ऊपर है एक नीचे और मैं बीच में हूँ, बीच में फंस चुका हूँ। फंस तो कुछ नहीं चुका, मतलब बीच के अंदर है। तो अभी मैं फाइनली सो चुका हूँ, मतलब सीट के ऊपर आके। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो गाइज अभी तक ट्रेन खड़ी थी, अभी फाइनली चल चुकी है ट्रेन, ये देख सकते हो आप चल रही है अभी। तो अभी यहाँ से रवाना हो चुकी है, तो चलिए आगे। तो गाइज ट्रेन अभी चल रही है और मैंने जो है फ़ोन यहाँ पर चार्ज लगा दिया है। और अभी रात के 11 बज चुके हैं और आप लोगों से मैं मिलता हूँ सुबह जल्दी। अभी मेरे को आ रही है बहुत तगड़े वाली नींद, तो अभी मैं सो रहा हूँ। तो गुड नाइट गाइज, पता नहीं आप किस टाइम वीडियो देख रहे होगे, बस गुड नाइट। अभी मैं सो रहा हूँ और सुबह जल्दी मिलते हैं मॉर्निंग में। तो चलो हे गाइज गुड मॉर्निंग। तो अभी खड़ा हो चुका हूँ मैं और अभी ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे, मैं आगे बाहर खड़ा हूँ और अभी चल रहे हैं आगे। अभी तक आधा रास्ता क्लियर हुआ है और आधा अभी बाकी है। कम से कम 1000 किलोमीटर में आ चुके हैं और 1000 अभी तक बाकी है। चलिए आगे का सफ़र एंजॉय करते हैं। वैसे मैं अभी उठा हूँ, मुँह हाथ धोया है, अभी चलते हैं बैठते हैं सीट के ऊपर और चलते हैं आगे। ये हमारी ट्रेन है नवजीवन और इसके पास में देख सकते हो आप ये खड़ी है मालगाड़ी। मैं ऊपर आके बैठ चुका हूँ और इधर पंखा चल रहा है और पहले मेरी सीट थी वो बीच वाली और अभी मैं ऊपर आके सो चुका हूँ। ऊपर ये मेरा बैग है। तो गाइज फाइनली मेरा सफ़र पूरा हुआ और मैं अभी पहुंच चुका हूं खम्मम अहमदाबाद टू खम्मम। और ट्रेन भी रुक चुकी है और मैं उतर चुका हूं नीचे और ये रही ट्रेन जा रही है अभी। तो चलते हैं बाहर और अभी मेरे को आगे 200 किलोमीटर और जाना है। तो चलते हैं रिक्शा खोजते हैं और रिक्शे से फिर आगे मुझे बस पकड़नी है, बस से फिर आगे जाना है। तो चलिए पहले रिक्शे को खोलते हैं। अभी आ गए हैं प्लेटफॉर्म खम्मम पे, तो अभी जा रहा हूँ बाहर खम्मम रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ। ये देख सकते हो जा रही है ट्रेन नवजीवन जिसमें मैं आया था। तो मुझे अभी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना है यहाँ से। तो यहाँ से ये निकलते हैं बाहर, बाहर निकलते ही शायद रिक्शा टैक्सी कुछ मिल जाए, फिर चलते हैं बस स्टेशन। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से बाहर निकला जाता है। और ये रहा खम्मम का रेलवे स्टेशन और यहाँ से रिक्शा पकड़ना होगा मेरे को। तो चलो रिक्शे वाले को पकड़ते हैं और चलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी बस स्टॉप आ चुके हैं, मैं अपना रिक्शा के अंदर आया था मैं। तो
चलते हैं बस स्टैंड के अंदर। और तो गाइस ब्लॉग के चक्कर में रिक्शे वाले का बड़ा देना ही भूल गया, अभी देखे आया। और यहाँ पे ये जो है बस स्टेशन है, और अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बस स्टेशन के अंदर। और यहाँ से बस को खोलते हैं भाई, अपने वाली बस जो है कौन सी जाएगी। तो चलो इधर किसी को पूछते हैं। तो भाई वो बोल रहे हैं उधर लगी हुई बस 25-26 नंबर पे है, पर यहाँ पे तो है नहीं। तो देखते हैं किसी को और को पूछते हैं। देख सकते हो भाई ये है पूरा का पूरा बस स्टेशन, रेल में आया 24 घंटे, तो मतलब रेलवे का ही नाम चढ़ गया है जबान पे। और ये है पूरी बस स्टेशन की मार्केट, बहुत खूबसूरत बस स्टेशन है यार। और अभी यार बस अभी तक मेरे को मिली नहीं, अभी मैं पूछता हूँ इधर किसी को। चलिए पूछते हैं। तो भाई मेरे पास जो है रोकड़े पूरे हो गए थे, तो एटीएम से निकाले यहाँ पे। तो चलो अभी चलते हैं बस के पास। तो ये कोतुकोडम पालवंचा की बस जो है यहाँ पे लगेगी, अभी तक आई नहीं है, वो बोल रहे 5 मिनट के अंदर आती है, तो 5 मिनट वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए वेट करते हैं। तो गाइज हमारी बस जो है 29 नंबर पे आएगी, और ये देखो इतना बड़ा फैन ऊपर की तरफ। यो मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ और मज़ा ले रहा हूँ फ्रूटी का। अब बस आएगी तो चाहेंगे बोतल को फेंकते कूड़ादान में। तो फाइनली अपना बस जो है आ चुका है, तो चलते हैं इसके अंदर, फिर सीट नहीं मिलेगी। सो फाइनली बस में आके बैठ चुके हैं। सो गाइज फाइनली पालवंचा जो है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ दुकान पे। तो अभी जाता हूँ दुकान पे, आपको मिलता हूँ सवेरे, क्या क्या रास्ते में हुआ अपडेट्स दूंगा आप लोगों को। तो चलिए आगे ब्लॉग में कंटिन्यू रही है। गाइस मैं जो है कल रात को ही यहाँ पे आ गया था, तो कम से कम मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए 24 से 25 घंटे जो लगे सफ़र के अंदर। तो चलिए फाइनली मैं अभी पहुँच चुका हूँ। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, ट्रैवल ब्लॉग था मेरा फर्स्ट, तो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। और ऐसे ही नेक्स्ट लेवल ब्लॉग के मिलते रहेंगे। थैंक यू सो वॉचिंग, बाय गाइज़।